हेलो दोस्तों, प्राइम एक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इसमें वाइंडिंग करना सीखेंगे। पहले सबसे पहले हम कॉइल बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम इसमें कॉइल को डालना सीखेंगे किस तरीके से डालते हैं। बाकी दोस्तों किस तरीके से इसका रिकॉर्ड लिया जाता है, किस तरीके से इसमें इंसुलेशन लगाया जाता है और किस तरीके से इसमें साइज लिया जाता है, किस तरीके से कॉइल का साइज लिया जाता है, दोस्तों बाकी पार्टों में मैंने सब कुछ सिखा दिया है। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आपको आइकन पे क्लिक करके वीडियो वो मिल जाएंगी। पहला पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट, जो भी जितने भी पार्ट बने वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आपको सारे वीडियो के पार्ट्स मिल जाएंगे। जब तक आप वो पार्ट नहीं देखेंगे तब तक इसका मतलब आपके लिए बिल्कुल जीरो है। आप यहाँ पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल जीरो है, आप समझ नहीं पाएंगे जब तक कि आप पहला पार्ट से लेके अब तक का नहीं देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम कॉइल बनाना बिल्कुल इजी तरीके से सीखेंगे। जिसके पास फर्मी वगैरह भी नहीं है, जो इस फील्ड में न्यू है, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होने वाली है ये वीडियो। तो वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरीके से नई नई वीडियो डालते रहता हूँ। और दोस्तों लास्ट में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। सिर्फ मैं इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, एक लाइक तो दोस्तों बनता ही है, और साथ में दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों मैं तार वगैरह सब कुछ ले आया हूँ। इसमें डबल तार है, आप देख रहे हैं नीचे का जो तार है वो डबल तार है। इसका हम एक मतलब जो ये है ये पूरा एक लगेगा, ना कि इसका डबल लगेगा, बल्कि जितने भी हम टन गिनेंगे तो इसमें एक टन गिनेंगे, जो कि मैंने दोस्तों रिकॉर्ड भी लिया था। जो ऊपर का टन है ये है और नीचे का टन हमारे ये हैं। तो सबसे पहले क्वाइल जो हम बनाएंगे ये छोटी वाली बनाएंगे, जिसमें के 30 टन हमारे होंगे। अगर इसके हम डबल गिनेंगे तो 60 हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम पहले सबसे छोटी क्वाइल बना लेते हैं, जिसका फर्मा हमने ये बना लिया है। फर्मा किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन लिंक है या फिर इस आई पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 30 वाला जो टन है वो करते हैं। इसमें दोस्तों हम लकड़ी के गट्टे में इस टाइप से हम इसको फंसाएंगे और उंगली पे इस टाइप से हम पूरे 30 टन हम इसमें कर देंगे। ये रहा दोस्तों तार, इसको मैं नीचे की साइड में रख देता हूँ जिससे कि ये इधर से आता रहे, ये तार जो है नीचे से आता रहेगा। और ये रहा दोस्तों हमारे पास, ये अलग अलग साइज का तार है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अलग अलग साइज का तार है, लेकिन ये एक तार है, आप इसको एक मानिए। अगर इसको डबल मानेंगे तो आपको जो है दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये एक तार है, ये डबल है तो इसका मतलब एक तार है ये। तो अब मैं इसको बनाता हूँ 30 टन, मतलब कि यहाँ से मैं इसको थोड़ी सी लीड बढ़ाने के लिए, जिससे करेक्शन वगैरह हो जाए, लीड थोड़ी सी आपको लंबी रखनी है। और इस तरीके से आपको एक यहाँ पे एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस। तो यहाँ पे दोस्तों ये मेरे 30 टन हो चुके हैं। और इसको मैं फर्मे को निकाल लेता हूँ, जिससे कि आगे कॉइल बनाने में मुझे फ़ायदा मिलेगा। इसको मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ पे इसको इस तरीके से मैं बांध देता हूँ, जिससे कि तार वगैरह इधर उधर को ना भागे। और जब मैं इस कॉइल को डालूंगा तो इसको तार को मैं यहाँ से अलपेटा जो है वो निकाल लूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी कॉइल बन गई है। अब मैं बनाता हूँ दोस्तों दूसरी कॉइल, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और दूसरी कॉइल भी। और आपको ध्यान रखना है, आपको इधर को ही चलना है, आप कभी आप दूसरी कॉइल में इधर को चल दें तो ये गलत हो जाएगा। आपको सारी कॉइलें अब इधर को ही बनानी है। अब ये दोस्तों मैंने दूसरा फर्मा ले लिया है, उससे बड़ा, मतलब कि ये छोटा फर्मा था, अब मैंने इससे बड़ा ले लिया है, इससे बड़ी कॉइल हम बनाने जा रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपको इसको इस तरीके से रखना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से रखने के बाद आपको एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, तीस, इकतीस, बत्तीस, तैंतीस, चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस, अड़तीस, उनतालीस, चालीस, इकतालीस, बयालीस, चौवालीस, पैंतालीस, छियालीस, सैंतालीस, अड़तालीस, उनचास, पचास, इक्यावन, बावन, तिरपन, चौवन, पचपन, छप्पन, अट्ठावन, उनसठ, साठ। तो ये हमारे यहाँ पे भी 60 टन हो गए, उसको भी हम धागे से बांध देते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं निकालता हूँ, इसको किसी तार वगैरह से यहाँ पे मैं बांध देता हूँ। ये दोस्तों मैंने तार से बांध दिया है। अब आप इसी तरीके से उससे बड़ी बनाएंगे, फिर उससे बड़ी बनाएंगे, चारों कॉइलें हम बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कॉइल बना लेता हूँ, उसके बाद हम इसमें मोटर के अंदर हम डाल के देखेंगे। ये दोस्तों हमने सबसे लास्ट वाली कॉइल भी बना ली है, और कॉइल बनाने के बाद इसको हम यहाँ से काट देंगे दोस्तों, यहाँ से हम काट देंगे। और काटने के बाद इसको भी हम इसी तरीके से लपेट देंगे। अब यहाँ पे हमने चारों कॉइलें बना ली हैं दोस्तों, इस तरीके से ये चारों कॉइलें हमारी बन गई हैं, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी, ये चार कॉइलें हमारी बन चुकी हैं। अब हम दोस्तों इसमें कॉइल को हम डालते हैं, वो कैसे डालते हैं चलिए हम सीख लेते हैं।
यहाँ पे हम जो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो सिरा है इसको हम यहाँ पे रखेंगे, और इसको आप चाहें तो इधर भी रख सकते हैं। अगर आपने इधर रखा तो सारी सीरीजें आपको इधर ही डालनी पड़ेंगी, अगर आप इधर रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको वैसे ही आपको बाइंडिंग करनी है। तो ये सिरा जो हमारा कटा हुआ है जहाँ से हमने शुरू किया था, वो सिरा हम इधर की साइड में रखेंगे। और दोस्तों क्वाइल डालने से पहले आपको एक चीज़ और देख लेनी है, ये जो आप सुराग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे लिए, इधर की साइड में हमारी लीड रहेंगी, आप देखेंगे इधर कोई भी सुराग नहीं है, तो जब हम कवर वगैरह फिट करेंगे तो लीड हमारी इधर को निकल जाएंगी और सामने हमारी जो कवर है वो आ जाएगा। तो कभी आप इधर लीड निकाल देंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान करना है कि हमारी लीड किधर रहेंगी, तो लीड हमारी इधर रहेंगी जिधर हमारा सुराग है। तो उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ने के बाद इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा पतला साइज करेंगे, क्योंकि अगर इस टाइप से आप रहने देंगे तो मोटा हो जाएगा। इस तरीके से आपको हल्के हल्के थोड़े थोड़े टन इसमें डालने होते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें अब इस क्वाइल को दोस्तों हम डालेंगे। डालने का तरीका दोस्तों ये है, यहाँ से आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और पीछे की साइड में हाथ लगाएंगे और इस तरीके से थोड़े थोड़े टर्न करके हम इसमें आराम से डाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखो पूरे के पूरे टर्न हमारे अच्छी तरीके से चले जा चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इंसुलेशन लगाएंगे। इस तरीके से आप इंसुलेशन काट सकते हैं, इसके ही जो हमारे कोर है इससे हल्की हल्की सी इतनी इतनी सी बाहर रहनी चाहिए, जिससे कि वो अर्थ वगैरह ना हो। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा कॉइल है, जो सामने वाला कॉइल है, हम 6 पीच में डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम इसमें हल्के हल्के थोड़े थोड़े टर्न इस टाइप से उंगली से इस टाइप से हम कर लेंगे, थोड़े थोड़े करके आपको डालने हैं। अगर ज़्यादा आप डालने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो मोटर है, जो मोटर का तार है, वो छिल जाएगा। इस तरीके से हम पूरे तार हल्के हल्के थोड़े थोड़े करके यहाँ पे हम डाल देंगे। तो आपने देखा यहाँ पे डल चुकी है हमारी कॉइल। उसके बाद हम इसके जो ऊपर है इसका इंसुलेशन हम इस तरीके से लगाते हैं। लगाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉइल है हमारे यहाँ उबड़ खाबड़ से हो रहा है, तो इसको हम दोनों उंगलियों से इस टाइप से करके और इसको हम फैला लेंगे, और साथ में हम इधर से भी इसको इसी तरीके से हम इधर से भी हम इसको फैला लेंगे और इसको हल्के से नीचे बिठाएंगे। और नीचे बिठाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी मोटर में खूबसूरती भी आने लगी। अब दोस्तों ये हमारा जो सबसे छोटा कॉइल था वो हमारा यहाँ पे पड़ चुका है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा शुरू वाला सिरा था, हमारा जो कटा हुआ सिरा है, वो हमारा ये रहा इधर की साइड में। तो हम इसको हम इस टाइप से उंगली से इस टाइप से कर लेंगे, यहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है। आपको जब भी रखना है तो आपको ये सिरा जो है इधर ही रखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है दूसरी कॉइल को डालना। तो दूसरी कॉइल को हम इस तरीके से डालेंगे, इसका जो हमने तार बांधा था उसको खोलेंगे, और खोलने के बाद हम क्या करेंगे, इन कॉइलों को हम थोड़ी दूर रखेंगे। अब आपको करना क्या है, ये वाला जो सिरा है वो इस टाइप से हमारा इधर जाना चाहिए, इस तरीके से। आप देख रहे हैं ये वाला जो सिरा है हमारा वो इस तरीके से यहाँ पे जाना चाहिए। अगर सपोज करो वो आपका इधर ही चला गया, अगर ये वाला सिरा हमारा इधर की साइड में चला गया तो मोटर आपकी फूक जाएगी। जो ये वाला सिरा है हमारा सीधा इस टाइप से इसमें आना चाहिए, जो हमारी 8 वाली पिच है वो ए इधर। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इधर से हमने लिया तो ये वाला जो सिरा है मैं इधर को डालता हूँ, जिससे कि मैं लीड भी थोड़ी सी ज़्यादा रखता हूँ, जिससे कि आपको दिखता रहे। तो ये वाला जो हिस्सा है मेरा इधर चला जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाला फिर से वो इधर आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से डालता हूँ, पतला करता हूँ, और सीधा यहाँ पे जो मैंने पिच गिनी थी वो शुरू करता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ से सीधा मैं इसको उधर से साइड में जब खींचूंगा तो तार हमारा थोड़ा थोड़ा करके अंदर की तरफ को जाने लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरी वाली उसकी बराबर वाली जो स्लॉट है वो खाली रहती है, उसमें आपके तार ना जाएं, जिसमें आपको अंदर से तार बढ़ाने हैं उसी में साइज में हमारा वो तार जाने चाहिए। इस तरीके से ये देखिए, ये तार धीरे धीरे करके आपके जाने लगे हैं। अब आपको अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो आप एक स्केल ले सकते हैं, आप इस तरीके से स्केल ले सकते हैं। स्केल का जो आय का मुंह होता है इसको आप हल्की से रेती वगैरह से मतलब इसको जो खरासे हैं वो निकाल लें, और चाहें तो आप बेस्ट रहेगा कि लकड़ी की फन्नी लें आप, लकड़ी की फन्नी से तार वगैरह छिलेगा नहीं। और इस तरीके से आप इस तरीके से सलाट में को इस तरीके से आप इसमें बड़ा बड़ा के अंदर की साइड में को इसमें आप धंसा दें तारों को। अब देखें आप यहाँ पे आपके जो तार है वो बहुत ही बेहतर तरीके से अंदर जा चुके हैं। उसके बाद हम इंसुलेशन ऊपर से लगाएंगे, जिससे कि ये तार वो जो है बाहर को ना निकल सके। इस तरीके से हम इसको इंसुलेशन को लगा देते हैं। अब दोस्तों ये हमारा कॉइल पड़ चुका है, और इसी तरीके से हम इसको हाथ से फैलाएंगे इस तरीके से, और इधर से भी फैलाएंगे, और ये हमारा कॉइल जो है दूसरी स्लॉट में पड़ने के लिए तैयार है। इस तरीके से हम इसको भी इसी तरीके से हम थोड़े थोड़े कॉइल करके इस तरीके से हम इसमें डालेंगे। आप चाहें तो इसमें ऊपर के कॉइल को उठा के हल्के हल्के थोड़े थोड़े आप कॉइल डाल सकते हैं।
इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे सारे कॉइल, तार है हमारे वो धीरे धीरे करके सारे अंदर जाने लगेंगे, थोड़े थोड़े करके आपको डालने हैं, अगर एक साथ डालने की कोशिश करेंगे आप तो ये कॉइल जो है हमारे तार जो है अंदर की साइड में नहीं जा पाएंगे, तो आपको थोड़े थोड़े करके तार को अंदर लेके जाना है। और दोस्तों ये कॉइल भी हमारा यहाँ पे पड़ चुका है, और इसके बाद मैं इसमें लगाता हूँ इंसुलेशन। इंसुलेशन तरीका आप जानते हैं, इस तरीके से अगर आपको थोड़ा सा हार्डपन लग रहा हो तो हल्की सी कॉइल बाहर की साइड को खींचे और अंदर को इस टाइप से आप धकेल लें इस टाइप से, तो ये फिल्म जो है बहुत ही आसानी से हमारी चली जाएगी इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर मेरी दूसरी कॉइल भी पड़ चुकी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 और यहाँ पे आपका 8, 1 2 3 4 5 6, 6 पिच में एक कॉइल पड़ चुका है और 8 पिच में हमारा दूसरा सेट पड़ चुका है, दूसरा कॉइल हमारा पड़ चुका है, और साथ में हमारी जो ये वाला आपका देख रहे थे 6 और 8, ये दो कॉइल हमारे पड़ चुके हैं 30 और 60 का। फिर अब इसमें 60 का और 60 का मतलब दूसरा कॉइल 10 में और 12 में हम डाल देते हैं, तो उसका भी तरीका दोस्तों यही है। और जो आप सीरीज़ देख रहे हैं दोस्तों, ये जो सीरीज का तार है आपका, जो इस कॉइल का जो तार है, ये वाला जो तार है, सीधा आपका इस कॉइल में इधर जाएगा, तो यहाँ से शुरू हुआ और टन हमारा घूम के इधर आया, इधर से सीधा हमारा इधर जाएगा, इधर से ऐसे जाते जाते पूरा आपका जो दूसरा तार जो कनेक्शन का आएगा वो इधर की साइड में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसका जो 10 पिच का जो सेट है कॉइल है वो भी हम डाल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाला जो सिरा है वो इधर जाएगा, इसका भी टोटल कॉइलों को जितनी भी हम ऊपर की नीचे की जितनी भी सारी कॉइल डालेंगे वो इसी तरीके से हम डालने वाले हैं, इसी तरीके से डलती है। अगर आपने कोई भी चेंजिंग कर दी इसमें तो आपकी मोटर जो है ना बिल्कुल फूक जाएगी, आपकी मोटर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इस टाइप से हम थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे और थोड़े थोड़े करके, हो सकता है अगर आप न्यू वाइंडिंग कर रहे हैं, नए हैं इस फील्ड में, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत पड़ सकती है, तो आप जो है ना बहुत ही धैर्यपूर्वक और थोड़े थोड़े करके आप इसमें टन इस तरीके से डालते रहें, और डालने के बाद इसमें जब आप इंसुलेशन लगाएंगे तो इंसुलेशन का मतलब यही होता है कि तार वगैरह हमारे ना निकले और हमारा मोटर जो है वो अर्थ वगैरह ना हो पाए। इस तरीके से ये दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी कॉइल जो है आधी डाल दी है, उसके बाद हम इसको हाथ से इस तरीके से यू करके फैलाएंगे जिससे कि जो सामने वाली हमारी पिच में है वो आसानी से हमारी ये कॉइल जो है जाके बैठ जाए। इस तरीके से आप चाहें तो इधर से भी आप इसको हल्के हल्के जो टन है वो इस तरीके से घुमा के मोटर को, और इस तरीके से आप इसमें इस तरीके से आप हल्के हल्के टन लेके इस टाइप से आप थोड़े थोड़े टन करके इसमें डाल सकते हैं जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना पड़े इस तरीके से, और इस तरीके से आप थोड़े थोड़े टर्न करके इसमें डाल दीजिए जिससे कि आपके तार वगैरह भी नहीं छिलेंगे और साथ में आपका सेफ्टी भी बनी रहेगी और आपको दिक्कत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से वाइंडिंग ये हमारी हो जाएगी। पूरे के पूरे तार हमारे यहाँ पे जा चुके हैं और इसमें लगाता हूँ मैं इंसुलेशन। इंसुलेशन लगाने का तरीका आप जानती हैं, इसको इस तरीके से भींच के और इस तरीके से आगे इसको धकेलना होता है। इस तरीके से दोस्तों हमारा तीसरा सेट भी पड़ चुका है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, इस तरीके से ये तीसरा सेट भी पड़ चुका है। और आपको ध्यान रखना है हर कॉइल पर आपकी सीरीज जो है बिल्कुल इस टाइप से होनी चाहिए, जो कॉइल है शुरू का और लास्ट का इस टाइप से होना चाहिए। अब जो है दूसरा जब आप कॉइल डालेंगे लास्ट हो जाए तो उसका जो सिरा है वो जैसे कि आप यहाँ से शुरू किया था हमने, तो उसका जो लास्ट है वो इधर की साइड में आना चाहिए, अगर इधर आ रहा है तो आपका गलत हो गया है कॉइल, आपको ध्यान रखना। अब हम यही इसी तरीके से हम ये वाला कॉइल भी हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पूरा सेट डाल दिया है और इसको धागे से आपको बांध देना है जिससे कि खूबसूरती के साथ साथ ये तार वगैरह इधर से उधर ना भाग पाए इस तरीके से। और ये दोस्तों आप जब भी आप कॉइल डालें तो आपको जो सबसे फर्स्ट वाला है और जो सबसे लास्ट वाला है वो इधर आएगा, और जो सबसे फर्स्ट वाला है वो इधर आएगा, जो शुरू है ये है वो लास्ट जो है वो इधर है। अगर कोई भी इधर से गलत होता है तो आपका कॉइल जो है वो बिल्कुल गलत है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। तो इस तरीके से ये पहला कॉइल डालता है और इसी तरीके से दोस्तों हम कॉइल बनाते हैं और सामने वाला भी कॉइल में डाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि और क्या हम इसमें कर सकते हैं और सामने वाली कॉइल हम कैसे डालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम सामने वाली भी कॉइल डाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों हमारे दोनों कॉइल हमारे पड़ चुके हैं, बहुत ही आसानी से आपको दिख भी रहे होंगे। और ये जो है हमारा दोस्तों, ये हमारे कनेक्शन जो है, ये हमारा शुरू वाला है और ये लास्ट वाला है, मतलब इस कॉइल के जो कनेक्शन है वो शुरू का ये है और लास्ट का ये है, और इस कॉइल का जो कनेक्शन है वो शुरू का ये है और लास्ट वाला हमारा ये है। आमने सामने वाले बिल्कुल आमने सामने ये पड़ते हैं कॉइल, और आप पिच वगैरह रिकॉर्ड वगैरह लेना आप सब कुछ जान चुके हैं। और दोस्तों जो ऊपर वाली कॉइल है वो कैसे पड़ती है, कैसे उसकी पिच हम ज्ञात करते हैं, कैसे हम उसकी जो पिच है वो कैसे पता करते हैं, सब कुछ मैं बताऊँगा दोस्तों। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको जो आने वाला नेक्स्ट पार्ट है वो हमें देखना होगा जिससे कि आप और बेहतर तरीके से वाइंडिंग का काम और ज़्यादा सीख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फो के साथ। ओके बाबा।